Hello friends, welcome to Xamnation. So in this video we are going to talk about the credit rating agency and corporate governance, their role in the corporate governance. So corporate governance, in a simple term you can say that it's governance of, it's about the taking care of all of the stakeholder into the company. Okay, stakeholder kya hote hain? Jo bhi company ke andar indirectly attract interest rehta hai. It can be equity holder, debt giver, customer, all are the stakeholder. But here we will talk about from the perspective of only the capital provider. Okay, so there is a total capital into the company. If you start a company, you need to have some money. That money can be funded by the taking a loan, which is nothing but debt, or by the equity. Okay, so now credit rating agency has the role in term of loan giver. So what happened actually, that is, let's say this is a company C. Okay, and this company want to raise the loan. This is a, let's say, company C and want to raise the loan. So what they will do, they will ask the people to give him the loan. Okay, it can ask the bank or it can ask the people through issuance of a bond. So a bond nahi pata to don't worry about it. It's, you can say that ki ye udhar mang raha hai market se paisa. Okay, so uske liye somebody should be there who can judge the judge this company ki how efficient is company or how able is company to repay back that loan with the interest. Okay, so credit rating agency basically loan provider ke andar एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है. क्रेडिट एजेंसी एक इस कंपनी को एक रेटिंग दे देगी. ओके, इट्स कैन बी ए ए प्लस, ए ए डबल ए, माइनस, ट्रिपल ए, अकॉर्डिंग टू वेरियस नोटेशंस आर देयर. तो लेकिन समझने की बात यह है कि क्रेडिट एजेंसी कंपनी को एक रेटिंग देगी अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी टू रिपे दैट लोन. ओके, सो दैट इज द रोल ऑफ द क्रेडिट एजेंसी. सो इट हैज बीन रिटन हियर, सी आर ए, क्रेडिट एजेंसी कंपनी इज बेसिकली असाइन द क्रेडिट रेटिंग. This company is assigned the credit rating, and what is this credit rating? Is basically rate a debtor ability. Debtor kaun hai? Company jo loan le rahi hai. That is the debtor. Debtor ability to pay back that debt by making timely principal and interest payment. That is the role of credit rating agency, to provide the credit rating, and it's also provide the likelihood of the default. Okay. So now, अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मेरे को लोन देना है किसी कंपनी को तो मैं उसकी क्रेडिट रेटिंग देखूंगा. अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग स्ट्रॉन्ग है तो आई विल बी वेरी कंफर्टेबल इन गिविंग द लोन. ओके, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग स्ट्रॉन्ग है तो मतलब वो इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट टाइमली करेगा. ओके, तो सी आर हैव ए क्रिटिकल रोल ऑफ प्लेइंग अ अलर्टिंग टू हूम, टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. एक्सटर्नल का मतलब जो कि लोन दे रहे हैं. इक्विटी होल्डर को इंटरनल बोला जाता है, लोन देने वाले को एक्सटर्नल बोला जाता है. अबाउट द ट्रू स्टेट ऑफ हेयर ऑफ द बिजनेस. ओके, एंड गिव द अर्ली वार्निंग डेफिनेशन ऑफ डेट रिडक्शन डेट सर्विस कैपेबिलिटी. ओके, अच्छा मैंने एक थोड़ा रॉन्गली बोला था, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इज नॉट ऑल द इक्विटी होल्डर आर एक्सटर्नल इंटरनल स्टेक होल्डर. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वो है जो कोई कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी में ध्यान नहीं रख सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैं रिटेल पर्सन हूँ, मैं कंपनी का बॉन्ड खरीदता हूँ. रिटेल मतलब कि कुछ कंपनी के अंदर पोजीशन नहीं है मैं कंपनी का, ना ही मैं कुछ इंस्टीट्यूशन लाइक बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी तरह हूँ. एक आम आदमी हूँ जो कि कंपनी का बॉन्ड खरीदता है, कंपनी को एक स्मॉल अमाउंट में लोन देता है. ओके, बॉन्ड इज नथिंग बट ए वे ऑफ रेजिंग द लोन. तो मैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो गया. सिमिलरली मैं शेयर्स भी खरीदता हूँ कंपनी के, एंड आउटसाइड ऑफ द कंपनी इवन देन आई एम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्या फायदा हो गया? जो पर्सन लाइक मी एंड यू, वो पर्सन हु इज नॉट इंटरनल टू द कंपनी, उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा पता लगेगा कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है. ओके, इन सर्विसिंग देयर डेट. ओके, अब हम समझते हैं कि सी आर ए इंपॉर्टेंट क्यों है. ओके, सी आर ए ऑलरेडी हमेशा इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट कि आजकल ही इंपॉर्टेंट है. सी आर ए पहले भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर आपकी इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी है, देखिए मान लो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छी इकोनॉमी चल रही है, तो डेफिनेटली वो इजीली इंटरेस्ट पे कर देंगी. तो अब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी अच्छी ही होगी क्योंकि इकोनॉमी अच्छी कर रही है. तो जनरली उस टाइम सीआरए का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है. ओके, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कंपनी अच्छी कर रही है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो वो पे कर ही देगी. लेकिन आजकल जो इकोनॉमिक डाउनटर्न थोड़ा चलने लगा है, आई वुड नॉट से थिंक वी आर फेसिंग रिसेशन और एनीथिंग, कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा डिक्लाइन हुआ है. ग्रोथ कर रहे हैं अभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ, पर डिक्लाइन हुआ है. ओके, तो उस सिनेरियो में अब क्या कंपनी की पेइंग कैपेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है. ओके, तो पहले वो अच्छा कमा रहे थे, पे कर सकते, लेकिन अब वो कंपनी कैपेबिलिटी रिड्यूस होती है. तो इस टाइम सीआरए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न सिचुएशन में, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीआरए टू गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनीज. ओके, तो इकोनॉमिक डाउनटर्न है एक, तो ये इंपॉर्टेंट है. अनदर थिंग इसी से रिलेटेड, अभी मैकेनिकल रिपोर्ट आया था लास्ट ईयर कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है कंपनीज का बहुत कम होता रहता है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली नथिंग बट
पीबीआईटी होता है, मतलब यार कह दो कि जितना मनी कंपनी के पास अवेलेबल है टू पे आउट द इंटरेस्ट, ओके, इट्स द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट, ओके, सो इट्स द पीबीआईटी ओवर टोटल इंटरेस्ट विच नीड टू बी पेड, ठीक। तो जो इंटरेस्ट पेइंग कैपेबिलिटी वो डिक्रीज होती जा रही है एंड दिस इज नथिंग बट ड्यू टू इकोनॉमिक डाउन टर्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस टाइम सीआरए अच्छे से रेटिंग करे, ओके, कोई बाइकिंग कुछ ना हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेबी ने इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, वो हम ट्राई टू अंडर समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में ही कि वो जो स्टेप सेबी ने लिए हैं वो सफिशेंट क्यों नहीं है एंड क्या और फर्दर स्टेप लेने चाहिए दो द ओपिनियन एज पर द वेरियस इकोनॉमिस्ट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, नाउ वी विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो।